क्या आप स्लीप डिस्क के प्रॉब्लम से परेशान हैं? आपको नर्व रूट कॉम्प्रेशन बताया गया है। आपके रीढ़ की हड्डी के वजह से आपको सूझ नहीं रहा है कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं? क्योंकि ये दर्द जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसी हालत है आपकी तो एक बार आपको पारसनाथ स्पेशलिटी क्लिनिक में दिखाना जरूर आना चाहिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर सोनिया। रीढ़ की हड्डी के मरीज जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारी बदलती जीवन पद्धति या फिर हम कितने देर तक ऐसे बैठे रहते हैं, कितना दबाव हमारे मांसपेशियों पर, पीठ की मांसपेशियों पर आ रहा है, और हम कितने देर तक किस पोजीशन में बैठे रहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। 8-8, 9-9 घंटे आप एक ही पोजीशन में अगर बैठे रहते हैं तो होता क्या है कि ये सर्वाइकल रीजन हो या अपना थोरेसिक हो या ज़्यादातर लंबा रीजन में मसल्स में स्पैज्म आने लगता है। स्लिप डिस्क को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा वर्टेब्रा होता कैसे है। यह वर्टेब्रा का नीचे का हिस्सा है लंबार का हिस्सा। लंबार का मतलब कमर का हिस्सा। ये सर्वाइकल, नीचे थोरेसिक और नीचे है लंबार। तो ये जो दो बोन्स है उसके बीच में एक डिस्क होती है। जो डिस्क है वो ल्यूब्रिकेंट का काम करती है और साथ ही साथ हमारे जो मूवमेंट होते हैं, हम जैसे कि हम आगे झुकते हैं या फिर हम इधर उधर जो झुकना झुकते हैं या फिर मुड़ते हैं, इसके लिए यहाँ पे दो हड्डियों के बीच में ये गद्दी जो है वो डिस्क जो है वो होती है। अब ये डिस्क किसी भी तरीके से मतलब अगर आपको स्लिप डिस्क है, मतलब क्या कि हर्निएशन हुआ है या डिस्क बल्ज हुआ है या किसी भी वजह से अपनी जगह से वो डिस्क जो है वो हिल के इन नसों पर दबाव डाल रही है, तो इसे स्लिप डिस्क कहा जाता है। ये स्लिप डिस्क होने के बाद कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं? स्लिप डिस्क हो जाने के बाद आपके हाथ में या पैरों में, मतलब जहाँ पर आपकी नस दब रही है, अगर आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो हाथ में आपके मुंगिया आना, हाथ सुन पड़ जाना, एक हाथ में दर्द हो जाना या फिर चक्कर आना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन यही अगर लंबार में होता है, ज़्यादातर हम L4 और L5 में स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। अगर L4 L5 में स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो लक्षण क्या क्या होते हैं? मुंगी आना या फिर घुटना भी कभी कभी सुन हो जाना या फिर तलवे जो है वो सुन पड़ना, एक ही पैर में बहुत दर्द होना, दोनों पैर में भी कभी कभी दर्द आपको महसूस हो सकता है। ये दर्द जो है वो जब आप रिलैक्स होते हैं, मतलब आप सोते हैं, तब ये दर्द जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि बैठते हैं तभी भी ये दर्द कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप मूवमेंट करने लगते हैं या फिर आगे झुकना की कोशिश करते हैं तो ये दर्द जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसमें दो स्टेजेस होते हैं, क्रॉनिक होता है और एक एक्यूट होता है। एक्यूट कंडीशन में हम देखते हैं कि मरीज बिल्कुल हिल डुल नहीं पाते हैं, मतलब पेन जो है वो सीवियर होता है। अब इसके लिए उपचार हम क्या कर सकते हैं? पारसनाथ स्पेशलिटी क्लिनिक्स में हम स्लिप डिस्क हो या हर्निएशन हो, डिस्क बल्ज हो, नर्व रूट कॉम्प्रेशन हो उसकी वजह से, तो इसलिए SRDP ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। SRDP ट्रीटमेंट में 4 स्टेजेस में ये ट्रीटमेंट की जाती है। ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि L4 और EL5 नर्व रूट कॉम्प्रेशन हमें ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि ये निचला हिस्सा है हमारी रीढ़ की हड्डी का, और हम जब आगे झुकते हैं या कहीं पर मुड़ जाते हैं, करवट बदलते हैं, तो निचले हिस्से को ज़्यादा मूवमेंट करनी पड़ती है। और जब मसल स्पाजम हो जाता है तो वो मसल्स क्या करती है कि पूरा जो प्रेशर है वो इधर डालने के लिए मजबूर हो जाती है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम स्लिप डिस्क के लिए कोई भी उपचार लेते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें मसल्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे तब तक आपके रीढ़ की हड्डी का दर्द ठीक नहीं हो सकता। स्लिप डिस्क के पेशेंट में, मरीजों में ज़्यादातर हमें स्ट्रेस का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता है उस तरीके से ये रीढ़ की हड्डी का दर्द जो है वो बढ़ते हुए हमें दिखता है। लेकिन हजारों पेशेंट देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि 90% पेशेंट में, रुग्ण में ऑपरेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। पारसनाथ स्पेशलिटी क्लिनिक में संपर्क कीजिए, आज ही आइए, और अगर आपको स्लिप डिस्क की या फिर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो तो अवश्य संपर्क कीजिए और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स का कंसल्टेशन लीजिए। नमस्ते।